यह है टेस्ला मॉडल एस प्लेट और यह अमेरिकन फैमिली सेडान 1000 से भी ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसी वजह से यह गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार से 1.98 सेकंड्स में पकड़ लेती है। यह है रिवियन R20, यह एक अमेरिकन पिकअप ट्रक है और यह 850 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए इसमें 128 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई गई है। यह है लूसी डेयर जो कि एक अमेरिकन लग्जरी सलून है और ये वॉकिंग 1200 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करती है। और यह है अमर ईवी, यह पिकअप भी 1000 से ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसका वजन 4000 किलो है जो कि अमेरिकन आर्मी की हम्बी से भी 1000 किलो ज्यादा है। मैंने अभी बहुत बड़े बड़े पावर फिगर्स थ्रो करे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? एक टेस्ला प्लेट आसानी से 4 लोगों के साथ एक कस्टमाइज्ड मैक्लारेन 720S को पीछे छोड़ सकती है। और ये तो छोड़ो, अगर हम इनके पिकअप ट्रक्स की बात करें जैसे रिवियन R1T, तो वो इतना पावरफुल है कि वो 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ लेता है, जो कि ऑलमोस्ट एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर के बराबर है। इन कार्स का कंपैरिजन अगर हम किसी भी देश में मिलने वाली इलेक्ट्रिक कार से करें तो इनका कोई मुकाबला दिखाई ही नहीं देता है पावर के मामले में। फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन, कोना और होंडा ई जैसी गाड़ियां 150 से कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, बट स्टिल वो फास्ट फील होती हैं। हर एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार इतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है कि ये अब उनका मेन USP रहा ही नहीं है। लेकिन अगर हाई एक्सेलरेशन के फन पार्ट को छोड़ दें तो इन कार्स में इतनी ज्यादा हॉर्स पावर के होने का कोई वायबल यूज है ही नहीं। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि ये गाड़ियां एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाली मोटर के लिए काफी बड़ी बैटरी भी चाहिए होती है, और एक बड़ी बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक IC इंजन वाली गाड़ी से भी 3 गुना ज्यादा कार्बन इमिशंस होते हैं, और बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा चाहिए होती है। और आज तक भी अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों में भी 60% तक इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स को ही बर्न करके बनाई जाती है। इंडिया जैसे किसी डेवलपिंग देश में ऑन एन एवरेज एक इंसान का कार्बन इमिशन लगभग 2 टन के आसपास होता है, लेकिन एक एवरेज अमेरिकन का कार्बन इमिशन लगभग 16 टन पर ईयर के आसपास होता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इसमें इनकी गाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अमेरिकन ऐसी गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं जो EVs को डेवलप करने का होल पर्पस ही डिफीट कर रही हैं। अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार्स तो अब आई हैं, लेकिन अमेरिकन बहुत पहले से ही बड़े साइज की और बड़े इंजन वाली गाड़ियों को यूज करते आ रहे हैं, और उसके पीछे ये 2 बड़े रीजंस हैं। अमेरिकन कार्स हमेशा से ही बड़ी रही हैं, और उनके बड़े होने का सबसे बड़ा कारण है उनके पास बहुत ज्यादा एरिया होना। US दुनिया का 4th सबसे बड़ा देश है, और रिलेटिवली वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है और काफी अमीर भी है, और इसी वजह से वहाँ चाहे घर हों, पार्किंग लॉट्स हों, सिटी रोड्स हों या हाईवेज, सभी के सभी किसी भी और देश से काफी ज्यादा बड़े हैं। और ऐसे में एक बड़ी कार का रखना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी भी। अमेरिकन्स को बड़ी कार्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अपना हर काम कार से ही करते हैं। अगर उन्हें ऑफिस जाना हो या सिंपली दुकान से कुछ सामान लेने जाना हो, उनको कार की नीड होती है, और इतनी नीड इसलिए होती है क्योंकि USA के बड़े साइज के होने की वजह से वहाँ पर हर चीज के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, US में क्योंकि लेबर और फ्रेट प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, इसीलिए लोग बहुत से ऐसे पिकअप ट्रक्स का यूज करते हैं ताकि वो अपना सामान खुद से ही मूव कर सके, फिर चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन का सामान हो, कोई ट्रेलर या फिर कोई बोट। अब क्योंकि इन्हें ऐसी चीजों को खींचना पड़ता है, अमेरिकन पिकअप्स और SUVs के अंदर बड़े इंजन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और US में 3 से 5 लीटर वाले इंजन पिकअप और SUVs में दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम इसका कंपैरिजन इंडिया से करें तो लास्ट यहाँ पर एक गाड़ी फोर्ड एंडेवर थी जिसने 3 लीटर की कैपेसिटी को सरपास किया था, लेकिन फोर्ड ने उसको भी बाद में चल के सिर्फ 2 लीटर कर दिया था। अब अमेरिकन की जरूरत तो समझ में आती है कि क्यों उन्हें इतने बड़े इंजिन की जरूरत होती है, पर ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े इंजिन सिर्फ जरूरत के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने बचपन से ही अमेरिकन कार कल्चर को बहुत ही ज्यादा नजदीक से देखता हुआ आया हूँ, और इतने सालों में मैंने ये पाया है कि जरूरत से ज्यादा वहाँ पर ऐसी कार उनके फन और दिखावे के लिए ज्यादा खरीदी जाती है। वर्क हॉर्स पिकअप्स को एक तरफ कर दें तो चाहे आप सेडान देख लो, कोई वैन, कोई SUV या कोई स्पोर्ट्स कार, वहाँ पर हर गाड़ी में अननेसेसरली बड़ा इंजन देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम एक अमेरिकन मेड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सेडान डॉज चैलेंजर RT की बात करें तो ये गाड़ी 5.7 लीटर इंजन का इस्तेमाल करती है, जिससे ये सिर्फ 370 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और ये तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका में बेहद ही पावरफुल SUVs और पिकअप्स की होड़ लगी हुई है, जैसे ये है लिंकन नेविगेटर, और ये गाड़ी 3.5 लीटर के इंजन के साथ 450 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अगर आपको ये कम लगता है तो ये है इनकी कैडिलैक एस्केलेड V जो कि 6.2 लीटर इंजन के साथ आती है और 682 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और अगर आपको ये भी कम लगता है तो इनसे मिलो, ये है डॉज ड्यूरांगो हेलकैट। ये कार 6.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है और ये 710 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जिसकी मदद से 0 से 100 की रफ्तार ये गाड़ी सिर्फ 3.5 सेकंड में पकड़ सकती है, बावजूद इस बात के कि इस गाड़ी का वजन 2500 किलो है। और अगर बड़े इंजन का सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल देखना हो तो आप बात कर सकते हैं डॉज वाइपर की, जिसमें 8.4 लीटर का V10 इंजन आता था।
ऐसा नहीं है कि हाई हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ इतने ही बड़े इंजन की जरूरत होती है। यूरोपियन कार्स में इतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 लीटर तक के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन या किसी भी देश के कार मेकर्स चाहकर भी अमेरिकन इतनी बड़े इंजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर देशों में इंजन साइज के हिसाब से टैक्सेस को इम्पोज किया जाता है, और ये चीज अमेरिका में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। साथ ही साथ कार्स पर लगने वाले टैक्सेस यूएस में बहुत ही कम है कंपेयर्ड टू एनी अदर नेशन, जिसकी वजह से यूएस में मिलने वाली इस गाड़ी की कीमत इंडिया में मिलने वाली इस गाड़ी से भी कम है। इन सभी बातों की वजह से ये अनरीजनेबली बिग और गैस गजलिंग कार्स वहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से खरीद पाते हैं। और अगर हम कुछ देशों के एवरेज साइज से इनका कंपैरिजन करें तो हमें पता लगता है इनके इंजन ऑन एन एवरेज ही सबसे बड़े हैं। जैसे कि इंडिया में ऑन एन एवरेज कार के इंजन का साइज 1.2 टू 1.5 लीटर के बीच में होता है, यूके में ये 1.6 लीटर है, और जापान में ज्यादातर लोग 1 लीटर या उससे छोटे इंजन वाली गाड़ियों को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर कार्स का एवरेज साइज ऑलमोस्ट 3 लीटर के अराउंड है। इन सभी बातों की वजह से ये समझ में आता है कि अमेरिकन जरूरत से ज्यादा ऐश के लिए ऐसी गाड़ियों को खरीदते हैं जिनके इंजन इतने ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस सिर्फ उनके आईसी इंजन वाली गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, ये ईवीस तक भी ट्रांसफर हुई है विद इवन मोर इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा से ही काफी ज्यादा रही है, और इसीलिए जब टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने की शुरुआत करी थी तो उन्होंने इसे एक स्पोर्ट्स कार के रूप में बनाया था जो कि 288 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर सकती थी। पर वो अपनी कार्स को मासेस को बेचना चाहते थे, लेकिन उनकी पावर कभी भी कम नहीं हुई, और आज हम देखते हैं कि उनकी फ्लैगशिप कार 1000 से भी ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ इसी गाड़ी में अननेसेसरी अमाउंट ऑफ पावर है, बल्कि इनके तो सारे मॉडल्स ही ऐसे हैं, यहाँ तक कि इनकी चीपेस्ट टेस्ला भी ऑलमोस्ट 300 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करती है। टेस्ला ने ओवर पावर्ड व्हीकल्स का ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि अगर कोई भी अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर उसमें फिट नहीं बैठेगा तो उसके लिए सर्वाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लूसिड एयर को टेस्ला का सबसे कड़ा कॉम्पिटिशन माना जाता है, और नए कॉम्पिटिटर अक्सर क्या करते हैं, वो पुराने और बड़े प्लेयर से भी ज्यादा एडवांस होने की कोशिश करते हैं, जैसा उन्होंने भी किया। लूसिड एयर की हॉर्स पावर फिगर्स 480 से लेकर 1200 हॉर्स पावर तक जाती है, और यही नहीं, ये अमेरिकन इलेक्ट्रिक एसयूवीज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ अमेरिकन ही नहीं, ये जो ट्रेंड है ये बाकी देशों की कार कंपनीज तक भी फैल चुका है। अब आप सोच सकते हो कि इसमें बुराई ही क्या है, ये कार्स तो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, तो इनके फास्ट होने से एनवायरमेंट को कैसे नुकसान हो सकता है। अनलाइक आईसी कार्स, ईवीज की मोटर्स के बड़े या छोटे होने से एनवायरमेंट को उतना नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये तो इनकी बैटरीज हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में जितना CO2 इमिशन होता है उससे कई गुना ज्यादा उसको प्रोड्यूस करने में होता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा CO2 इमिशन होता है ईवीज की बैटरीज को बनाने में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लिथियम आयन की माइनिंग में बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, और लिथियम के एक्सट्रैक्शन में बहुत ही ज्यादा पानी भी निकलता है। लिथियम इन 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा अबेंडेंस में पाया जाता है, और इस रीजन में तो लिथियम एक्सट्रैक्शन की वजह से ऑलमोस्ट 75% ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। इसी तरीके से कोबाल्ट को निकालने में भी काफी ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, और कोबाल्ट के एक्सट्रैक्शन में तो चाइल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा शामिल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज ही वो कल्प्रिट हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होते हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि अगर एक छोटी इलेक्ट्रिक कार को मैन्युफैक्चर किया जाए तो उसमें लगभग 2 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन होते हैं। लेकिन अगर टेस्ला मॉडल एस जैसी कि एक बड़ी बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार को प्रोड्यूस किया जाए तो उसमें 17 मीट्रिक टन तक कार्बन एमिशन हो सकते हैं। वहीं अगर हम इसे एक नॉर्मल आईसी इंजन वाली कार से कंपेयर करें तो उसमें 5 से 7 मेट्रिक टन के कार्बन एमिशन होते हैं। अमेरिकन का ध्यान इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ खींचने के लिए पावरफुल ईवीज को बनाना कुछ हद तक जरूरी भी था, लेकिन थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ द हैंड्स। एक्चुअली अमेरिका में ऑन एन एवरेज आईसी इंजन वाली कार्स 250 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करती है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक कार्स तो 300 हॉर्स पावर से शुरू ही होती है। अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार्स के बिग एसयूवीज का प्राइम एग्जांपल है ये रिसेंटली लॉन्च हुई हामर ईवी। इस गाड़ी का वजन 4200 किलो है, और ये 1000 से भी ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और एक चार्ज में 530 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन इस सब को करने के लिए इसमें 212 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगाया गया है। और अगर आप ईवीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक मैसिव बैटरी है। ये बैटरी इतनी बड़ी है कि इससे इंडिया के ऑलमोस्ट 40 एवरेज कंजप्शन वाले घर पूरे एक दिन तक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बैटरी के साथ भी ये कार अमेरिकन हाईवे पर सिर्फ 5 से 6 घंटे तक ही लगातार चल सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसकी इतनी बड़ी बैटरी है। ऑलमोस्ट हर अमेरिकन कार में 80 से 100 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है, अगर हम कुछ गाड़ियों को छोड़ दें तो। अगर हम इसका कंपैरिजन इंडिया में मिलने वाली नेक्सॉन ईवी से करें तो उसमें सिर्फ 40 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक बड़ी बैटरी कार में नहीं होनी चाहिए, पर मास मार्केट कार्स को उस बैटरी से ज्यादा रेंज निकालनी चाहिए, ना कि उससे बहुत ज्यादा पावर निकालनी चाहिए, क्योंकि आज भी ज्यादातर बिजली कोयले और फ्यूल को जलाकर ही बनाई जाती है। और वैसे भी इलेक्ट्रिक कार्स छोटी मोटर्स के साथ भी बहुत ज्यादा तेज होती हैं,
और अमेरिका से बाहर कई वी मेकर्स जैसे हुंडई, मर्सिडीज, टाटा और फॉक्सवैगन इसी प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं। ये भी गाड़ियां तेज बना रहे हैं बट विदाउट लूडिक्रस मोड। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए इस अमेरिकन ईवी एक्सेस के बारे में। थैंक यू।